नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार, स्वागत है आपका रुद्र ट्रेड यूट्यूब चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य है आपको शेयर मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी बातों से अवगत करना। आज का टॉपिक है हाउ टू ऐड फैमिली मेंबर्स टू ए जरोदा अकाउंट। हम अपने फैमिली मेंबर्स को अपने जरोदा अकाउंट से कैसे लिंक कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को अपने जरोदा अकाउंट में क्यों लिंक करें, इसका क्या फ़ायदा है, तो इसकी आज पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू ऐड फैमिली मेंबर्स टू ए जरोदा अकाउंट। तो इसके विषय में पहले बता दूं कि जो दोस्त जो ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स भी अगर ट्रेडिंग करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका डीमैट होल्डिंग वो देख सकें, तो उसके लिए सबसे पहले तो परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। बिना परमिशन की कोई किसी की होल्डिंग नहीं देख सकता। अब इसमें बात आती है फैमिली की, तो फैमिली में देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन होती है जब तक सामने वाला अलाउ ना करे उस चीज़ को। या तो कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट खुलवा के रखा है और आप ही उसको मेंटेन करते हैं, आप ही उसमें ट्रेड करते हैं, ये भी कई लोग करते हैं। तो उसमें हर बार उनको अपना सामने वाले का आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, अपना आईडी पासवर्ड लॉगआउट करना पड़ता है, हर बार लॉगिन लॉगआउट करते रहना पड़ता है, क्योंकि देखना होता है कि हमने SBI कहाँ ख़रीदा था, एक्सिस कहाँ बेचा था, तो सब देखते रहना पड़ता है। इसके लिए अगर सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में हमें मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो आज का वीडियो उसी पर बेस है, देखते हैं उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगी। यहाँ लिखा पहली प्रोसेस में विजिट करें kite.jaroda.com होल्डिंग में, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। इसमें कंसोल पे क्लिक करना है, दूसरा नंबर तीसरे नंबर पे आएगा कि आप जिसका अकाउंट डीमैट अकाउंट अपने जरोदा अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं उनका यूज़र आईडी आपके पास होना चाहिए, उनका पैन कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप जब ये फॉर्म फिल करेंगे तो सामने वाले के पास एक OTP जाएगा। जब तक वो उस OTP को एक्सेप्ट नहीं करेगा आप किसी की होल्डिंग अपने डीमैट में नहीं देख पाएंगे। तो वो जो मैसेज आएगा वो मैसेज भी सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। तो अगले 2 घंटे में अगर आप उस लिंक को क्लिक करके उसको ओके नहीं करते हैं तो वो लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो आपको जो जरोदा का मैसेज आएगा उसको आप ओपन करें, उस पर लिंक होगी, लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ब्राउज़र में चल जाएंगे। जैसे वहाँ पर आते हैं तो आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये सारी प्रोसेस उनके लिए है जिनको अपना अकाउंट लिंक करवाना है, ठीक है। वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, पिन डालेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट इनवाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस एक्सेप्ट इनवाइट पे आपको क्लिक करना है तो आपका डीमैट सामने वाले से लिंक हो जाएगा। सामने वाला अब आपका डीमैट की पूरी होल्डिंग देख सकता है। जैसे ही लिंक पे ओके हुआ, सबमिट हुआ, तो हमारे पास वो डीमैट अकाउंट लिंक हो जाएगा, हम उसका होल्डिंग देख सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे फैमिली पे जाना पड़ेगा। फैमिली पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे पर्सनल दिख रहा है, यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट की होल्डिंग है जो कि मेरी सेल्फ की है। इसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा फैमिली पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी अकाउंट इसमें लिंक किए हुए हैं डीमैट अकाउंट, आपको उनकी होल्डिंग शो होगी। देखिए एक होल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, जिसमें आप देख रहे हैं अशोक लीलैंड, एस्ट्रल पाइप, बैंक ऑफ इंडिया, आप जितनी भी होल्डिंग है सबके रेट्स, प्राइस, कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का डीमैट अकाउंट अपने डीमैट में लिंक करने का, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आपके सामने मैंने प्रोसेस की और मेरे फैमिली का डीमैट अकाउंट मेरे अकाउंट से लिंक हो गया। तो ये थी आज के वीडियो की पूरी जानकारी कि हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली का डीमैट अकाउंट अपने डीमैट अकाउंट से कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे उनकी होल्डिंग चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार शेयर मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसमें आपको
ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें परेशानी होती है तो हम और हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।